Assalamualaikum alaikum students this is your teacher Arisha miss Arisha and today we will learn about introduction to paint which is on page number 80 chapter number 8 paint is a feature in windows that you can use to draw color and edit pictures you can use paint to make simple pictures or to add tags and designs to other pictures opening paint click start button all programs accessories and paint द पार्ट्स ऑफ पेंट वेन्यू स्टार पेंट यू विल सी एन एम टी विडो ड्रॉइंग एंड पेंटिंग टूल्स आर लोकेटेड इन द रिबन एट द टॉप ऑफ द विंडो द फॉलोइंग डायग्राम्स शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडो ये क्विक ऐसे स्टूल बार है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे ये ऑप्शन बेसिक्स ऑफ वर्ड बेट में ये टाइटल भार है ये ड्रॉइंग एरिया सरफेस है जहाँ हम अपनी पिक्चर्स ड्रो करते हैं ये स्टेटस बार है जहाँ हमारी स्क्रीन जूम इन और जूम आउट होती है ये स्क्रॉल बार है जिससे हम अपनी स्क्रीन स्क्रॉल कर सकते हैं ये रिबन है जहाँ हमारे ड्राइंग टूल्स होते हैं अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि पेंट्स की जो स्क्रीन कैसे होती है हो, ये कैसे ओपन होता है अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर स्टार्ट पर जाकर जब हमने और प्रोग्राम्स को पर क्लिक किया तो एसेसरीज़ आ गया एसेसरीज़ पे जब हम क्लिक करेंगे तो पेंट आएगा जब हम पेंट पर पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट जो है वो ओपन हो हमारा पेंट यहाँ पे ओपन हो गया है अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे शेप्स ब्रशेस और पेज कट का ऑप्शन ये जो हमारा है मेन्यू बार है और ये मेन्यू बटन से ये कोई कैसेस टूल बार है ठीक है ये जो हमारा है वो आ, स्क्रॉल स्क्रॉल है ये जो आपको दिख रहा है ये जूम इन और ज़ूम आउट का है ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हम अलग अलग कलर्स ले सकते हैं अब हम शेप्स में जाकर एक शेप्स सेलेक्ट करेंगे हमने शेप सेलेक्ट कर लिया है इसके बाद जब हमें कलर करना है तो हम यहाँ पे जाकर कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये रेड और अब हम यहाँ पे कलर कर देंगे इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं हमें यहाँ पे जितने जितने जो जो ऑप्शन लेने हैं वो ले सकते हैं जितनी शेप्स लेनी है जितनी दफ़ा भी ड्रॉ करनी है हम वो ड्रॉ कर सकते हैं ये देख हो हमने यहाँ पे कितनी सादा शेप्स ड्रॉ कर ली हैं कलर करना है तो आप इसके सेंटर पर रख कर ऑप्शन लेकर यहाँ का ये ऑप्शन लोगे कोई भी कलर कलर सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करके इस पे कर सकते हो ठीक है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लोज़ करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, क्लोज़ कर देंगे और अगर अगर, अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पर जाकर क्लिक कर कर सेव कर आप स्कूल की अगर फाइल है अपने नाम से भी सेव करना चाहते हो तो अपने फ़ाइल या कोई भी नाम से सेव करना चाहते हो तो कोई भी नाम या अम, वन टू थ्री के भी नाम से सेव करना चाहते हो तो वन टू थ्री के नाम से सेव करके यहाँ पे सेव का बटन दबा कर सेव हो जाएगा क्लोज़ करना है अगर आपको तो क्लोज़ कर दोगे ये हमारा पेंट क्लोज़ हो गया मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा अल्लाह फिर बच्चों टेक केयर